बैक टू ट्राइदेव। सो यार, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आप कैसे एक्टिविटी में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रेगमेंट के थ्रू, लाइक हाउ टू पास डेटा फ्रॉम फ्रेगमेंट टू अनदर एक्टिविटी। तो आज हम देखेंगे यार, बहुत से लोग कमेंट आया था और कमेंट किया करो यार, अच्छी बात है, वीडियोस आती है, इन्फॉर्मेशन शेयर होती है और लोगों को भी पता चलता है। ओके, सो फ्रेगमेंट टू एक्टिविटी कैसे जाते हैं, अब हम वीडियो देखेंगे फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सिंगल एक्टिविटी के अंदर। ओके, बिकॉज अगर अलग से कोई एक्टिविटी है तो वहाँ तो आपको एक्टिविटी असाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यार, ये हमारा प्रीवियस कोड है, ठीक है, नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वरना प्रीवियस वीडियो देख लेना कैसे ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेगमेंट है, एक एक्टिविटी है और एक दूसरी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी का हमें कोई काम नहीं है, हमें चाहिए दूसरा फ्रेगमेंट। तो यहाँ से फर्स्ट फ्रेगमेंट है जहाँ से डेटा पार्स हो रहा है एक्टिविटी को, इस कोड को हम कर देंगे कमेंट। और हमें चाहिए नया कोड, उसके लिए कुछ नहीं, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी बनाते हैं, सॉरी फ्रेगमेंट बनाते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट ट्रांसफर करना है ना। सेकेंड फ्रेगमेंट, एंड यार अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो बता देना। ये आ गया सेकेंड फ्रेगमेंट, सो एज इट इज़ हमें इस डेटा की अभी कोई नीड नहीं है, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है इसका। एंड अगर कंस्ट्रक्टर वगैरह आपको नहीं पता हो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, मेथड चेनिंग क्या होती है, तो प्लीज़ यार जावा की प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, ओके, एंड यहाँ पे इसके व्यू को वी कर दो, बिकॉज हमें कुछ व्यूज़ भी इनिशलाइज करने होंगे। तो फ्रेगमेंट सेकंड, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी है। एंड यार सबसे बेस्ट इसमें आप एक कंस्ट्रेंट लेआउट दे दो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये आ गया। अब इस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, देखो ये ऑलरेडी असाइन है वैसे तो, बॉटम एंड ऐसे, एंड इसको भी उड़ा दो एंड इसको रैप कंटेंट कर दो। ठीक है, ये सेंटर में हो गया। अब इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड अगर यूआई के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो बताना यार, बनाएंगे अच्छी सी एक। ठीक है, टेक्स्ट साइज हो 20 dp, SP सॉरी, बी विद SP। ओके, तो सेकंड फ्रेगमेंट में हमारा क्या बच रहा है जिससे एरर दे रहा है, रिटर्न करना रह गया हमें व्यू को, रिटर्न नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, जावा कोड कम से पढ़ लो। ओके, तो अब हम फर्स्ट फ्रेगमेंट गए, यहाँ पे हमें लिखना अपना कोड। तो यार देखो, एक्टिविटी टू एक्टिविटी इंटेंट से हो जाता है, बट अगर फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट जाना है तो हम यूज़ करेंगे बंडल क्लास का। बंडल, बंडल डाल दो इसका नाम, न्यू बंडल। ओके, ठीक है, अब हमें बंडल में ही सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पुट स्ट्रिंग करेंगे की, जो भी आप की का नाम देना चाहो, मैं एज इट इज़ दे रहा हूँ। एडिट टेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट बॉक्स को गेट करना है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। अभी टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से आया पूछ रहे हो ना यार, ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था ना, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है एंड यहाँ पे एक मटेरियल बटन है, ये ऑलरेडी इनिशियलाइज किए हुए हैं तो देख लेना यार प्लीज़। वीडियो लंबी हो जाती है, तुम लोग ही कहते हो फिर वीडियो लंबी बन रही है। ठीक है, ये टू स्ट्रिंग हो गया यहाँ पर मेथड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने सेकेंड फ्रेगमेंट को यहाँ पर इनिशियलाइज करना है, मतलब एक्सेस करना है। तो सेकेंड फ्रेगमेंट का नाम सेकेंड फ्रेगमेंट है, अजीब है नहीं, एंड न्यू सेकेंड फ्रेगमेंट, न्यू कीवर्ड का यूज़ पता होना चाहिए, एंड सेकेंड फ्रेगमेंट डॉट सेट आर्ग्यूमेंट। मतलब आपको यहाँ सेट करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या वहाँ पर डेटा या पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या था, बंडल, सिंपल। अब जो मेन खेला आएगा वो आएगा, तो हमें यहाँ पे लेना है गेट फ्रेगमेंट मैनेजर, जैसे कि हमने मेन एक्टिविटी में लिया था, बीन ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी फ्रेगमेंट एडिटर दिखा दे रहा हूँ, दिए देखो, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर बीन ट्रांजेक्शन एड एंड कमिट। एंड यहाँ पे सिंपल आपको सबसे पहले वो आईडी गेट करनी है जिसमें चेंज होगा कंटेनर लेआउट। एंड देखो यार, इशू हो रहा हो ना तो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख लेना, वैसे तो सिंपल है, यहाँ तक आई गए तो इतना समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे आपको न्यू सेकेंड फ्रेगमेंट ऐसे पास कर देना है, एंड लास्ट में डॉट कमिट, सिंपल हो गया। ओके, एंड चलिए सेकेंड फ्रेगमेंट में चलते हैं, यहाँ फ्रेगमेंट सेकेंड, ये डेटा आ रहा है उसमें इनिशियलाइज करना है, तो वही छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। टेक्स्ट व्यू बना लो, सेकेंड व्यू, जल्दी जल्दी करते हैं, सेकेंड व्यू, एंड सेकेंड व्यू को इनिशियलाइज कर लो, फाइंड व्यू बाय आईडी, सॉरी वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आई डॉट आईडी डॉट, यहाँ पर नाम क्या दिया था तुमने, आईडी क्या दी थी इसकी, नहीं दी थी आईडी, इसमें दे दो व्यू टेक्स्ट या व्यू मैसेज, व्यू मैसेज दे दो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डेटा आएगा कैसे, तो बंडल क्रिएट कर लो,
बंडल क्लास, एंड एक इसका मेथड होता है दिस डॉट गेट आर्ग्यूमेंट, बिकॉज हमने क्या करा था सेट आर्ग्यूमेंट, तो इसलिए क्या होगा दिस डॉट गेट आर्ग्यूमेंट, बहुत कॉम्प्लेक्स है ठीक है, बट ईजी है, इतना एक खास कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे मैसेज बनाना है, स्ट्रिंग मैसेज एंड बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग ही पास करी थी ना, एंड यहाँ पे की का नाम, सिंपल आ गया। अब यहाँ पे हमने जो सेकंड व्यू बनाया है उसमें यार असाइन भी कर दो फिर इसको इजीली, मैसेज एंड नल वगैरह चेक करा ना, अगर किसी ने पास नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, कितने प्रतिशत लोग भारतीय मानते हैं कि ये चलेगा, कमेंट करके बताओ यार, हद होती है ना। हेलो सब्सक्राइबर्स, सेंड इट आउट, कमाल है, ऐप ही क्लोज हो गया। चलिए देखते हैं कहाँ दिक्कत आई है। सो गाइस हमारी सिंपल सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ मैं इसको न्यू नहीं बनाना था, जब ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इसी को ही असाइन करना था, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में गलती कर दी ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, हमने सेकंड फ्रेगमेंट बनाया है एंड यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी करना है। तो चलो दोबारा चला के देख लेते हैं क्या बुराई है, इंसान से गलती होती है। हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, सेंड डेटा, और ये बहुत ही अच्छी और उमदा तरीके से डेटा आ चुका है ठीक है, एंड उसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेटा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड यार कोई भी इशू हो प्लीज़ कमेंट करो, जावा में कोई भी इशू हो उपासना मैम के लेक्चर देख लो और क्या चाहिए ठीक है। तो और अगर हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम API कॉल करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें गेट पोस्ट पुट डिलीट जो भी API मेथड्स होते हैं वो हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अरे हाँ यार, किसी को फाइनल ईयर में अगर एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बनाना है तो प्लीज़ कमेंट करो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं अच्छी खासी, जिससे आपको प्रोजेक्ट वो बनाने में हेल्प मिले ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो अवेटेड।